मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिस तरह से कोविड 19 की लड़ाई को पीएम मोदी ने सफलतापूर्वक लड़ा है उसका हम अभिनंदन करते हैं। उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ का सिर्फ ट्वीट करना काम रह गया है। शिवराज ने पत्थरबाजों को समाज का दुश्मन बताया और कहा कि ये साधारण अपराधी नहीं, इनके खिलाफ कड़े कानून बनाकर सजा का प्रावधान किया जाएगा और नुकसान की भरपाई भी इन्हीं से की जाएगी। शिवराज सिंह ने कहा कि भोपाल में कोरोना वैक्सीन ड्राई रन सफलतापूर्वक हुआ है, कोरोना पर काफी हद तक नियंत्रण कर लिया गया है। कोविड सेंटर बंद किए जा रहे हैं तो इसमें कमलनाथ को क्या आपत्ति है। शिवराज सिंह ने पत्थरबाजों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये पत्थरबाज समाज के बड़े दुश्मन हैं। ये चाहे कोई भी हो, ये साधारण अपराध नहीं, इससे लोगों की जान भी जा सकती है, इससे भय और आतंक का माहौल बनता है। प्रदेश में कानून का राज रहेगा, अब पत्थरबाजों के खिलाफ कड़े कानून लाए जाएंगे और उन पर सख्त सजा का प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ ही उत्पाती जो सार्वजनिक और लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं ये अक्षम्य अपराध है और इस पर कड़ी कार्रवाई के साथ संपत्ति के नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से की जाएगी, इसके लिए कड़े कानून बनाए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने कोरोना की लड़ाई सफलतापूर्वक लड़ी जिसके लिए उनका पूरे विश्व में नाम हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, उनके नेतृत्व में कोविड की लड़ाई को, कोविड के खिलाफ लड़ाई को बहुत सफलतापूर्वक लड़ा गया है। ये केवल हम नहीं कह रहे, सारा जमाना कह रहा है, सारी दुनिया कह रही है। इंडिपेंडेंट जो एजेंसीज हैं उनके सर्वे में मोदी जी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और कोविड काल में भी उन्होंने भारत का जैसा नेतृत्व किया है वो अद्भुत है। अब वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी गई। कमलनाथ जी का काम ट्वीट करना रह गया है बस। क्या वो ये चाहते हैं कोविड सेंटर हमेशा ही खुले रहें? कोविड पर पूरी तरह से नियंत्रण है, पेशेंट्स की संख्या पॉजिटिव काफ़ी कम हुई है, जो कोरोना पॉजिटिव होते हैं उनके इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है, बाकी होम आइसोलेशन की भी व्यवस्था है। मध्य प्रदेश में हम पत्थरबाजी करने वाले पत्थरबाज, ये समाज के दुश्मन है कोई भी हो। पत्थरबाजी कोई साधारण अपराध नहीं है कि कहीं से भी उठा और पत्थर दे दिया, उससे लोगों की जान भी जा सकती है लेकिन उससे भय और आतंक का माहौल पैदा होता है, भगदड़ मचती है, अव्यवस्थाएं होती है। मध्य प्रदेश में रूल ऑफ लॉ रहेगा, कानून का राज। इस तरह के अपराधी साधारण अपराधी नहीं है, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए अभी तो मामूली सी कार्रवाई होती थी, अब हम कड़ी सजा का प्रावधान करने के लिए कानून ला रहे हैं, कानून बना रहे हैं। लेकिन केवल पत्थरबाजी नहीं, कई बार उत्पाती सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, आग लगा देते हैं, सार्वजनिक संपत्तियों के साथ साथ व्यक्तिगत संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। किसी की दुकान में आग लगा दी, किसी के यहां तोड़फोड़ कर दी, अब यह अक्षम्य अपराध है। शांतिपूर्ण ढंग से कोई अपनी बात कहे वो लोकतंत्र उसकी इजाजत देता है, लेकिन आग लगा दो, तोड़फोड़ कर दो, पत्थर चला दो, इसकी इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह तय किया है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ न केवल कड़ी कार्रवाई करेंगे बल्कि सार्वजनिक संपत्ति को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो सजा के साथ साथ संपत्ति को जो नुकसान होगा वो उससे वसूल किया जाएगा। उसकी संपत्ति को राजसात करना पड़े तो राजसात करके वसूली करेंगे और नुकसान की भरपाई करेंगे। ऐसे ही किसी की व्यक्तिगत संपत्ति को भी जला दिया, तोड़फोड़ दिया तो उसके नुकसान की भरपाई भी नुकसान करने वाले उपद्रवी से की जाएगी। ये कड़े कानून बनाने का निर्देश मैंने दिया है और उस पर काम शुरू कर दिया है, जल्दी ये कानून सामने आएंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक,
ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।